गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 27 मई 2020 की 7th क्लास की ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। आज हम साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स और भी अलग अलग तरह के प्लांट्स किस तरह अपना न्यूट्रिशन और यानी कि फूड अंदर लेते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो दूसरों से लेते हैं, इसलिए हेटरोट्रॉप्स हैं। अब हम एनिमल्स कैसे खाना लेते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल्स जो है वो अपना खाना एक तरह हर तरह से प्लांट से ही लेते हैं। पहला डायरेक्टली वो प्लांट का कोई हिस्सा तोड़ कर खा रहे हैं, जैसे फ्रूट है, कोई स्टेम है, कोई रूट है, इस तरह से। और दूसरा है वो किसी एनिमल को खा लें जो प्लांट खाता हो, जैसे गॉट है, गॉट प्लांट खाती है। कई लोग जैसे मीट खाते हैं वो उसे खा लेते हैं। एनिमल्स गेट देयर सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपको ये याद रखना चाहिए कि हर किसी को फूड क्यों चाहिए, बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने रप्चर हुए टिश्यूज़ के लिए रिपेयर, अपनी बॉडी में अगर कोई भी चोट लगी है उसके रिपेयर के लिए और अच्छे से फंक्शन करने के लिए बॉडी के। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है जो हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब किस किस एनिमल को क्या क्या चाहिए, मोड ऑफ इनटेक किस तरह से वो उसे अपने अंदर लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और किस तरह वो खाना उसके काम आता है। तो यू स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल दैट एंड लिस्ट देम बिलो। हमने 6th में पढ़ा था, 6th का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2nd भी हो गया। उसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ये सारे न्यूट्रंस आपको यहाँ पे लिस्ट करने हैं। आपकी बुक की पिक आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं ये फिल करके। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। अब फूड के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ही ले लीजिए, वो हमें बहुत एनर्जी देता है, वो कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स मतलब काफ़ी उलझा हुआ, काफ़ी बड़ा, मुश्किल। दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। देखिए अब क्या कहते हैं, पूरा बड़ा तरबूज आप उसे एक साथ तो नहीं खा सकते, आप उसे सिंपल सिंपल आगे बाइट्स में कन्वर्ट करके खाएंगे। तो उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो उन्हें वैसे ही आपकी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसी तरह से जब किसी भी कम्प्लेक्स फूड का इस तरह से सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेकडाउन होता है, वो टूटते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है पूरे प्रोसेस को, डाइजेशन यानी कि पाचन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कैसे कैसे हम अपने अंदर खाना लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कैसे कोई एनिमल्स खाना लेता है ये बहुत अलग अलग तरीके हैं, हर एक एनिमल का अलग तरीका है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो देखिए कुछ हैं जैसे मक्खियाँ हैं और कुछ होमिंग बर्ड होता है, ये प्लांट्स से अपना उनका रस जो है वो चूसते हैं, सब करते हैं। लेकिन कुछ जैसे हमारे ही छोटे बच्चे को ले लीजिए, या फिर और भी ऐसे बहुत से एनिमल हैं जो अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। तो स्नैक्स लाइक पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। और पाइथन जैसे स्नैक्स, बड़े बड़े पाइथन जो स्नैक्स होते हैं बड़े, उन्हें पाइथन कहते हैं। पाइथन जो होते हैं वो अपने खाने को चबाते नहीं हैं, सीधा स्वॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। और कुछ पानी में रहने वाले जानवर ऊपर तैरने वाले खाने को फिल्टर करके अंदर लेते हैं। तो एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन द फॉलोइंग एनिमल्स। आपको ये पता लगाना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल हेल्पफुल। तो देखिए आपके ये नीचे दिए हुए हैं किस तरह से मोड ऑफ फीडिंग यानी कि कैसे खाते हैं, काइंड ऑफ फूड यानी कि क्या खाते हैं। ईगल है, ईगल ज़्यादातर प्रे खाता है, वो ज़्यादातर उसे अच्छे से च्यू करके खाता है। तो इन सभी प्रोसेसेस में से आप ये फाइंड करके लिखेंगे, इसके भी पिक आपको आपके ग्रुप में भेजनी है। यह सब आपका होमवर्क है और एक कंपलसरी आपको ये करना है।
अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रो इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड. तो देखिए कितनी अलग बात यहाँ पे इसने हमें बताई है, किस अलग अलग तरह के जानवर होते हैं. स्टारफिश नाम की ये देखिए फिश है, ये क्या करती है, ये हार्ड शेल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए शेल्स के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनको खाती है. तो कैसे खाती है, ये अपने मुंह से जब ये कोई शेल खोल लेती है, तोड़ देती है, तो अपने मुंह से अपना पेट जो है वो बाहर निकालती है, उसके अंदर वो एनिमल को रखती है और फिर से मुंह के राही अपने पेट को अंदर डाल लेती है और फिर वो धीरे 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 पचता रहता है. डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. हम मुंह से खाना लेते हैं, उसे पचाते हैं और यूज़ करते हैं. द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड आर डिफिकेटेड. जो फूड के पार्ट्स यूज़ नहीं होते वो डिफिकेट हो जाते हैं, जैसे कि जो यूरिन है और जो अलग फेकल मटीरियल है वो सारे इसी के हिस्से हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी. क्या आपने कभी सोचा है कि खाना किस तरह से अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है हमारी बॉडी में. द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. तो फूड जो है वो एक बकल कैविटी से बिगिन होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है. देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये, काफ़ी यहाँ से बकल कैविटी से फूड अंदर जाता है, शुरू होता है, और यहाँ से एनस से फिर बाहर निकल जाता है. तो द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के कैनाल के अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला बकल कैविटी, सेकेंड फूड पाइप और ईसोफेगस. ईसोफेगस वो पाइप होती है जिसके अंदर से फूड हमारे पेट तक जाता है. तो थर्ड है स्टमक, मेन कंपोनेंट है, यहीं पे ज़्यादातर फूड का डाइजेशन भी होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस. ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से. इसमें बकल कैविटी है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, जैसे जो हमारे मुँह में थूक होता है वो भी हमारा फूड पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसी से हमारा यहाँ आधा फूड तो यहीं पच जाता है. फिर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में, स्टमक से फिर एक पाइप ड्यूडेनम जाती है, ड्यूडेनम से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में लगभग सारा कुछ जो ज़रूरी होता है फूड से निकाल लिया जाता है और जो बचा हुआ अनयूज्ड फूड होता है वो हमारे एनस से बाहर निकल जाता है. इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ. दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो एक काफ़ी लंबा पाथ नहीं लगता आपको, और ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं. द फूड कॉम्पोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. अब देखिए आपको ये जानना होगा कि फूड एक ही जगह नहीं पचता. हम कह देते हैं फूड सिर्फ पेट में ही पचता, ऐसा नहीं होता. फूड जैसे जैसे नीचे जाता है आगे बढ़ता जाता है, वो धीरे 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 पचता जाता है. द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपल वंस. तो ये कैसे बता रहा है हमें, जो स्टमक है ये देखिए, स्टमक की अंदर वाली जो वॉल है, अंदर वाली जो परत है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली परत है, और सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि ये जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, और एक लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, और पैनक्रियास, ये चारों पांचों डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं. जूसेस में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे कम्प्लेक्स फूड को, मुश्किल खाने को तोड़कर सिंपल बना देते हैं ताकि हम उसे यूज़ कर सकें. द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये सारा रास्ता और ये सारे ऑर्गन्स मिला के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो आज कल के आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे फूड हमारा डाइजेस्ट होता है अलग अलग पार्ट्स में. तो आज हम इतना ही रीड करेंगे, आपका होमवर्क आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा. दो टेबल्स आपको फिल करने ही हैं, उसकी फीचर भी आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी.